मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्रा 23 साल की शुभांगी जोगदंड ऑनर किलिंग का शिकार हो गई है। इसका एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसी के चलते उसके सगाई टूट गई थी और परिवार वालों को लगा कि सगाई टूटने की बात गांव में फैल जाएगी जिससे बदनामी हो जाएगी, इसलिए माँ बाप मामा और चचेरे भाइयों ने उसकी हत्या कर दी और फिर शव को जला दिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में ऑनर किलिंग का ये मामला सामने आया है, जहां एक बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज परिवार के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। लड़की की जान लेने वालों में माता पिता मामा और चचेरे भाई शामिल है। पुलिस ने हत्या के आरोपी पिता मामा और चचेरे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी मां को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। दरअसल घटना जो है नांदेड़ के लिम्ब गांव थाना क्षेत्र के पिंपरी महिपाल गांव की है। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि गांव के रहने वाले जनार्दन जोगदंड की बेटी कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही है, जो कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी की तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। फोन करने वाले ने बताया था कि लड़की की हत्या का शक जाहिर किया था और जानकारी मिलने के बाद गांव पहुंची पुलिस ने जनार्दन जोगदंड से उसकी बेटी के बारे में पूछा, लेकिन पुलिस को इस सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से परिवार के लोगों से पूछताछ की तो ऑनर किलिंग की बात सामने आई। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि जनार्दन जोगदंड की बेटी की गांव में ही रहने वाले एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह बात घर वालों को पसंद नहीं थी। मना करने के बाद भी बेटी युवक से संपर्क खत्म नहीं कर रही थी। इसी बीच परिवार वालों ने बेटी की सगाई किसी और से कर दी थी, मगर लड़की के लव अफेयर की बात लड़के के घर वालों को पता चल गया और ये रिश्ता टूट गया। इस बात पर परिवार के लोगों को बहुत गुस्सा आया। सभी को लगा कि बेटी के रिश्ता टूट जाने की बात अगर गांव में फैल गई तो बदनामी हो जाएगी। बदनामी का डर और बेटी के लव अफेयर का बात परिवार को लोगों को इतना डरा गई कि माँ बाप मामा और दो चचेरे भाइयों ने खौफनाक कदम उठा लिया और 22 जनवरी को सभी ने मिलकर लड़की की हत्या कर दी और इसके बाद लड़की के शव को अपने खेत में ले गए, वहाँ आग के हवाले कर दिया। जब शव जलकर खाक हो गया तो इसकी राख को पास में ही बहने वाले नाले में बहाकर सभी अपने घर वापस लौट आए। लिमगांव थाना पुलिस ने ऑनर किलिंग के मामले में आरोपी पिता माता और चचेरे दो भाइयों को गिरफ्तार किया है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मां की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सभी पर आईपीसी की धारा 302, 201, 120 के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की आगे जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने में जुटी। पुलिस पड़ी नाथाने शहानिशा गावामध्ये केली आणि नंतर पुलिस स्टेशनला कळवलं की ती घटना खरी आहे म्हणून असं मला माहित पडलं। घटना घडली त्या दिवशी मी गावामध्ये नव्हतो। घटना अतिशय निंदनीय, अमानवी आणि माणुसकीला काळीमा फसणारी आहे। यामध्ये टोकाचं पाऊल कुटुंबियांनी उचललेलं आहे आणि निश्चितच ही घटना निंदनीय आहे। राज्य महिला आयोग या घटनेचा पाठपुरावा करून आरोपींवरती कडक कारवाई व्हावी।